इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे, देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करेगी धामी सरकार, सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों से बातचीत के बाद सरकार बोर्ड को भंग कर सकती है, ये खबर मिल रही है। मंत्रिमंडल में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर सहमति बनी और राज्य सरकार की तरफ से केवल आधिकारिक घोषणा बाकी है। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को सरकार भंग कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी, उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे थे और सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, लेकिन दो दिन का समय सीएम ने दिए थे और अब देखिए ये बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि बोर्ड को भंग किया जा सकता है। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अजीत जी, ये बहुत बड़ी खबर, तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे थे, हालांकि सूत्र अभी ये बता रहे कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जा सकता है, लेकिन क्या सुगबुगाहट है इस खबर को लेकर? जी हाँ, देखिए चूंकि एक समिति मुख्यमंत्री ने बनाई थी कुछ दिन पहले और उसमें पूर्व राज्यसभा सांसद मनोहर कांत यानी उसके अध्यक्ष थे, उसने कल ही एक रिपोर्ट अपनी सौंपी है। 89 पन्नों की रिपोर्ट में उसने तफसील से बताया है कि देवस्थानम बोर्ड को बरकरार रखने से और इसका इसको विकृत कर देने से क्या फायदे क्या नुकसान है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि एक दो दिन में सरकार ये बड़ा फैसला ले सकती है और ये चीज एबीपी गंगा लगातार दिखा रहा है कि एक अभियान के तौर पर चल रहा है पूरे प्रदेश में कि एबीपी गंगा ने समय समय पर दिखाया कैसे संतों का साथ दिया, कैसे यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया गया, कैसे पुलिस से झड़पें हुई और पंडे और पुरोहित पूरे सड़क पर हैं, भले ही उनकी संख्या कम हो लेकिन उनका मैसेज पूरे राज्य में जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक दो दिन में ये फैसला हो जाएगा। एक कैबिनेट की उप समिति भी बनाई गई है दो तीन दिन पहले और उसको भी आज एक रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी है, तो हो सकता है कैबिनेट की इस उप समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार एक बड़ा ऐलान कर दे, वो आज भी हो सकता है कल भी, चूंकि ये कानून है अपने आप में एक देवस्थानम बोर्ड एक्ट से गवर्न होता है तो इसके लिए विधानसभा में इसको निरसन करना होगा। जैसा आपने देखा होगा कि जो कृषि कानून थे उनको पार्लियामेंट में ही निरस्त किया जाना है, तो इसी तरह से प्रधानमंत्री के स्टाइल में मुख्यमंत्री भी यहाँ घोषणा कर सकते हैं लेकिन उसको फिर कैबिनेट में लाकर विधानसभा बहुत प्रेशर रहा है, शायद यही वजह है कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, चूंकि ये मामला धार्मिक है पूरी तरह से लेकिन इसका राजनीतिकरण होता जा रहा है। जो विपक्षी दल है उन्होंने भी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है और जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका उनके समाज का व्यापक पैमाने पर और बड़े स्केल पर उनका मैसेज जा रहा है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है। और जय, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये इसमें सबसे एक जो निगेटिव पॉइंट है पूरे के पूरे मामले में, इसमें सबसे निगेटिव पॉइंट ये है कि देवस्थानम बोर्ड के गठन होने के बाद उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। बाकी लोगों को भी, जो पंडा समाज से अलग के लोग हैं उनको भी लग रहा है कि खाली गठन कर देने भर से अगर कुछ होना होता तो हो जाता, लेकिन पंडित पुरोहित इस बात को नहीं मान रहे हैं और वो उनका लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, हर दिन उनके आंदोलन तेज होते जा रहे हैं। और मुझे लगता है आज शाम या कल सुबह तक जो मंत्रिमंडल की उप समिति है उसका एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को मिल जाएगी, उसके बाद एक कैबिनेट बैठक में लाकर इसको, इस प्रस्ताव को और इस कानून को निरस्त करने का एक मंजूरी दे दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए राज्य सरकार की तरफ से केवल आधिकारिक घोषणा बाकी है, इस तरीके की जानकारी ब्यूरो चीफ भी दे रहे हैं कि एक से दो दिन में बोर्ड को भंग किया जा सकता है और इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे थे लेकिन अब जब चुनाव भी बेहद पास है तो सरकार पर भी प्रेशर है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर लंबा विवाद चला, त्रिवेंद्र सिंह रावत को केदारनाथ के दर्शन तक नहीं तीर्थ पुरोहित करने दिए और अब इन तमाम गतिविधियों के बीच ये तीर्थ पुरोहितों के लिए अच्छी खबर है, उनके लिए जीत के तौर पर भी आप देख सकते हैं क्योंकि लगातार वो विरोध कर रहे थे और देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और तीर्थ पुरोहित मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जय गंगे मैया की। जी मिथिलेश जी, एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए सामने आ रही है कि राज्य सरकार की तरफ से देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जा सकता है एक या दो दिन के समय में, आधिकारिक ऐलान सरकार इसका कर सकती है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैम, हम तो सरकार से यही वो करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी देवस्थानम बोर्ड भंग हो। मैम हमें तो अभी देखा जा रहा है, मिथिलेश जी आपको आवाज मिल रही है?
देखिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड को सरकार भंग कर सकती है, एक या दो दिन में ये फैसला हो सकता है।